सो गाइस हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन है 1/3 - 1 - 1/4 - 1 कर्ली ब्रैकेट -1, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये याद होगा कि a का पावर m को अगर हम बटे में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, माइनस ए का पावर m, याद है। और अगर रिवर्स में अगर हम ले जाए तो अगर मान लीजिए a का पावर माइनस m हो तो हमें से बटे में a का पावर m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस सर लिखेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको रिवर्स में जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 3। क्या बनेगा, 3 बनेगा। समझते हैं, 1/3 का पावर -1 है, प्लस में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको पलट दीजिए, अब ये 3 ऊपर चल गया कि नहीं चल गया, 3 नीचे 1 है तो 3 ना मिलेगा जी, मिला ये 3 माइनस। उसी तरह से आप किसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज है, तो यहाँ 4 हो गया कर्ली ब्रैकेट -1। यहाँ पर कितना बच गया, 3 में से 4 उल्टा घट रहा है तो साइन क्या होगा, -1। और ये हो गया -1। अब ये इसको आप सॉल्व करेंगे -1 का पावर, सॉरी इसको अगर आप सॉल्व करोगे कर्ली ब्रैकेट जब हटाओगे तो इसको प्लस में -1 का पावर 1 ही लिखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 1/-1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -1, यही ना आएगा, यही होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 नंबर भी देख ले। यहाँ पर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पावर क्या लिखा हुआ, 3 का पावर -5 गुने 10 का पावर -5 125 और 5 का पावर -7 और 6 का पावर -3। इसको सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले 10 को तोड़ेंगे, 10 को ब्रेक कीजिएगा कैसे टूटेगा, 2 5 10 होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिखिए 3 का पावर -5 गुने 2 × 5 - 5। अब 125 को जब आप प्राइम फैक्टर से तोड़िएगा 5 25 25 125 5 25 25 यानी 5 का पावर 3 हो गया। डिवाइड भागा दीजिएगा 5 का पावर -7, 6 को भी तोड़ दीजिए सर, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़िए, एकदम बम्बार्डिंग करके छोटे छोटे कर दीजिए, हो गया। अब तो नहीं, अब तो ब्रेक नहीं होगा, अब होगा क्या, नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। यहाँ के बाद जो है हमारे पास आया है क्या आया है, 3 का पावर -5। यहाँ पर क्या आ गया, 2 का इस पर भी पावर, इस पर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर में a इंटू बी का पावर m हो इसका मतलब क्या है, दोनों में पावर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 2 का पावर भी -5 और 5 का पावर भी -5 इंटू 5 का पावर 3 हो गया। डिवाइड यहाँ नीचे देखिए 5 का पावर -7 गुने, अब देखिए 2 का पावर -3, 2 का पावर -3 और 3 का पावर -3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको सबके सर पे ताज दे दिए, अलग अलग ताज दे दिया ना। अब देखो इसमें जो सेम चीज नंबर का होगा उसे हम जोड़ देंगे, क्यों, आप पढ़े हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, m प्लस n पढ़े थे कि नहीं बचपन में, तो बुढ़ापा में भी याद रखा कीजिए, याद है कि दोनों 5 5 एक है, बोलिए
ये दोनों अलग अलग है, इसको एकानवे, थ्री का पावर माइनस फाइव, टू का पावर माइनस फाइव। अब यहाँ बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव पावर माइनस फाइव प्लस थ्री। आप यहाँ नीचे में ध्यान दीजिएगा, पांच का पावर सेवन है ना। अब इसको क्या करना होगा, चलिए एक लाइन और बढ़ाकर तब क्लियर कर देंगे। फाइव का पावर सेवन, टू का पावर माइनस थ्री, थ्री का पावर थ्री, क्लियर। माइनस थ्री यहां तक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये थ्री का पावर माइनस फाइव, टू का पावर माइनस फाइव। अब ये फाइव का पावर अगर सॉल्व करेंगे इतना आएगा, पांच में से तीन घटेगा तो दो बचेगा ना। अब इन दोनों तीनों नंबर जो बटा में है उस सबको ऊपर ले जाइए, क्या करेंगे ऊपर ले जाइए तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं ले जाइएगा तो कोई बात नहीं है, बटा वाला रूल अप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लीजिए, नीचे कौन सा है, टू का पावर थ्री, अब ये फाइव का पावर सेवन, लिख देना। इससे फायदा क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक बटा वाला भी फॉर्मूला पढ़े हैं, पढ़े तो याद है, ए का पावर एन इक्वल टू एम का पावर एम माइनस एन, पढ़े हैं। तो यहाँ पर तीन तीन सेम है ना बटा में, तो पावर वा सब घटा दीजिएगा, तो ऐसे भी बना लीजिएगा, थ्री का पावर माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री, ये माइनस फाइव इसका फाइव है, फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस लिखे है, माइनस थ्री ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू उसके बाद देखिएगा इंटू माइनस फाइव। और ये जो नंबर देख रहे हैं कौन नंबर है, ये जो नंबर है टू का पावर तो माइनस थ्री है, तो घटा दीजिएगा तो माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में माइनस थ्री भी होगा, होगा ना। आप बोलिएगा समझ आ रहा है, क्यों ये माइनस कौन वाला है, बीच वाला, फॉर्मूला वाला है फॉर्मूला वाला है। आप देखिए यहाँ पर अब क्या बच गया, फाइव, फाइव बचा, फाइव का पावर माइनस टू माइनस माइनस सेवन हो गया। अब यहाँ के बाद सॉल्व करना देखिएगा, थ्री हो गया ये माइनस और माइनस प्लस, तो लिखेंगे माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। अब पांच में से तीन घटाओगी तो क्या बचेगा, पांच में से तीन घटाई तो माइनस टू बचा, क्या बचा, माइनस टू बचेगा ना। पांच में से तीन घटाओगी कितना बचेगा, हाँ लिख रहे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटू टू का पावर फाइव में से थ्री घटाए कितना बचा, टू का पावर माइनस टू। अब फाइव का यहाँ फाइव होगा, फाइव का पावर सात में से दो घटिया कितना बचेगा, पांच हो गया। अब पांच का पावर पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे, पांच का पहाड़ा पांच बार, तो पांच को पढ़िए, पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ तीन का पावर माइनस टू है, इसको प्लस में ले जाएंगे तो नीचे तीन का पावर टू, तीन का नाइन हो जाएगा, और इसको नीचे जब ले जाएंगे तो वन बटे फोर हो जाएगा। और इसको पढ़िए, पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच बार, पचे पच्चीस पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस इक्वल टू छह सौ पच्चीस, छह सौ पच्चीस इक्वल टू बारह सौ पच्चीस, समझ आया। अब चार नवा छत्तीस हो गया, यही आंसर होगा। आप इसको देखिए, बारह पच्चीस पच्चीस छह सौ पच्चीस, छह सौ पच्चीस, छह सौ पच्चीस इक्वल टू बारह सौ पचास होना चाहिए, पच्चीस दो पच्चीस पच्चीस पांच है दो, पांच दस दस दो बारह, छह पच्चे तीस, तीस दो बत्तीस होगा, यही बोला कितना हुआ बत्तीस, क्लियर।
तो इस तरह से दोनों का सोल्यूशन हम लोग देख लिए। बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप सभी का आने वाला है।